आज आपको अखिल भारतीय कला गौरव सम्मान मिला है, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? अब इस तरफ कुछ भी जो कुछ काम हो रहा है वो देश के लिए अच्छा हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो रहा है, टीचर्स के लिए अच्छा हो रहा है और पूरे भारत के लिए, बल्कि यूं कहो पूरी दुनिया के लिए अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। सर, आपकी तरफ से कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे, आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैंने एक बुक लिखी है जो एनिमेशन की है जी सर, ये बुक है एनिमेशन की अधूरी कहानी। और लोग पूछते हैं अधूरी क्यों है, तो अधूरी का मैं कभी नहीं समझता कि सफ़र आपका ख़त्म हो गया है, और सफ़र है और आगे आपको आगे बढ़ना है, और सफ़र को पूरा करने के लिए आपका योगदान चाहिए सबका, मेरा मेरी तरफ से, आपका आपकी तरफ से, और स्टूडेंट्स का सबसे ऊपर है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही आगे ले जाने वाले हैं उस कहानी में। सितारे जो बनेंगे, ये सितारे यही बनेंगे, स्टूडेंट्स ही हैं, और हमको उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, और रिकग्नाइज ही नहीं बल्कि उनको इनक्रेज करना चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ बड़ी दुविधा है कि उनको कैरियर चाहिए, अगर कैरियर चाहिए तो फिर डेडिकेशन कम हो जाता है, तो वो एक स्थिति अगर आप संभालें तो नथिंग कैन बीट अस। स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप आज के? स्टूडेंट्स के लिए तो बेसिकली जो स्टूडेंट का काम है वो करना चाहिए उनको, दैट इज डेडिकेशन, हार्डवर्क और अर्ज टू लर्न, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी दुनिया से हटा करके अपने पास खींच कर रखता है, वो ताकत आपको तब आएगी जब आप दुनिया से कुछ दूर से देखना पसंद करोगे, वहाँ पे आपको घुस के बैठना नहीं है, वहाँ पे एनिमेशन में घुस जाना है, वो बहुत ज़रूरी है, वो डेडिकेशन चाहिए स्टूडेंट्स में, और वो जब आ जाएगा तो फिर आपके पीछे दुनिया जो है ना घूमेगी चलेगी, और जो कुछ भी होता है आपको बड़ा बनाने के लिए वो सब आपका अवेलेबल हो जाएगा।